तो दोस्तों आईपीएल 2024 में आज हम एक ब्लॉकबस्टर मुकाबला में गुजरात टाइटन बनाम दिल्ली कैपिटल के बीच एक ब्लॉकबस्टर मुकाबला खेला गया था। इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल के शानदार जीत के बाद हमें आईपीएल 2024 के पॉइंट टेबल में काफी बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। तो आज के इस वीडियो में आईपीएल 2024 का नया पॉइंट टेबल हम आपको बताने वाले, कौन सी टीम कौन से पोजीशन पर है और कौन सी टीम के पास कितना चांस है प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने के लिए। इस वीडियो में आपको ये सभी जानकारी वन बाय वन देने वाले, तो ये वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक बन रहे। तो आप भी आईपीएल के एक बड़े वाले फैन तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक करे, चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब करे एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे रखे, जिससे आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। तो बिना समय गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करें। वही आप आईपीएल 2024 से जुड़ी अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो करें, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया है, तो टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन करें। तो फ्रेंड वीडियो में बढ़ते आगे, आईपीएल 2024 के नए पॉइंट सेल के मुताबिक पॉइंट सेल पे जो आखिरी पोजीशन पर है वह फाफ डुप्लेसी कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने आईपीएल 2024 की सीजन में टोटल 7 मुकाबले खेले गए, जिनमें से रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को सिर्फ एक मुकाबले में जीत मिली और 6 मुकाबले में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को हार का सामना करना पड़ा है। पॉइंट से उनके पास 2 पॉइंट है। गन्ने ट्रेड हमें -1.185 का देखने को मिला है। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को प्लेऑफ में जगह पक्की करने के लिए अपना बचा हुआ 7 मुकाबले में से 7 मुकाबला जीतना जरूरी। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का अगला मुकाबला में 21 अप्रैल को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ खेलते हुए नजर आएंगे। वही पॉइंट सेल पे जो 9वे पोजीशन पर है वह हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियन। मुंबई इंडियन ने आईपीएल 2024 के सीजन में टोटल 6 मुकाबले खेले गए, जिनमें से मुंबई इंडियन को सिर्फ 2 मुकाबले में जीत मिली और 4 मुकाबले में मुंबई इंडियन को हार का सामना करना पड़ा है। पॉइंट टेबल उनके पास 4 पॉइंट है। उनका नेट रेट हमें -0.234 का देखने को मिला है। वही मुंबई इंडियन को प्लेऑफ में जगह पक्की करने के लिए अपना बचा हुआ 8 मुकाबले में से सिर्फ 6 मुकाबला जीतना जरूरी। वही मुंबई इंडियन का अगला मुकाबला में 18 अप्रैल को पंजाब किंग्स के खिलाफ खेलते हुए नजर आएंगे। वही पॉइंट सेल पे जो 8वें पोजीशन पर है वह शिखर धवन की कप्तानी वाली पंजाब किंग। पंजाब किंग ने आईपीएल 2024 के सीजन में टोटल 6 मुकाबले खेले गए, जिनमें से पंजाब किंग को सिर्फ 2 मुकाबले में जीत मिली और 4 मुकाबले में पंजाब किंग को हार का सामना करना पड़ा है। पॉइंट से अब उनके पास 4 पॉइंट है। उनका नेट रेट हमें -0.218 का देखने को मिला है। तो पंजाब किंग को प्लेऑफ में जगह पक्की करने के लिए अपना बचा हुआ 8 मुकाबले में से सिर्फ 6 मुकाबला जीतना जरूरी। वही पंजाब किंग का अगला मुकाबला में 18 अप्रैल को मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेलते हुए नजर आएगी। वही पॉइंट सेल पे जो 7वें पोजीशन पर है आज का मुकाबला हारने वाली टीम गुजरात टाइटन। गुजरात टाइटन ने आईपीएल 2024 के सीजन में टोटल 7 मुकाबले खेले गए, जिनमें से गुजरात टाइटन को सिर्फ 3 मुकाबले में जीत मिली और 4 मुकाबले में गुजरात टाइटन को हार का सामना करना पड़ा है। पॉइंट टेबल उनके पास 6 पॉइंट है। उनका नेट रेट हमें -1.303 का देखने को मिल रहा है। वही गुजरात टाइटन को प्लेऑफ में जगह पक्की करने के लिए अपना बचा हुआ 7 मुकाबले में से सिर्फ 5 मुकाबला जीतना जरूरी। वही गुजरात टाइटन का अगला मुकाबला में 21 अप्रैल को पंजाब किंग के खिलाफ खेलते हुए नजर आएंगे। वही पॉइंट सेल पे जो 6वें पोजीशन पर है आज का मुकाबला जीतने वाली टीम दिल्ली कैपिटल। दिल्ली कैपिटल ने आईपीएल 2024 के सीजन में टोटल 7 मुकाबले खेले गए, जिनमें से दिल्ली कैपिटल को 3 मुकाबले में जीत मिली और 4 मुकाबले में दिल्ली कैपिटल को हार का सामना करना पड़ा है। पॉइंट से उनके पास 6 पॉइंट है। उनका नेट रेट हमें -0.074 का देखने को मिल रहा है। वे दिल्ली कैपिटल को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए अपना बचा हुआ 7 मुकाबले में से सिर्फ 5 मुकाबला जीतना जरूरी। वे दिल्ली कैपिटल का अगला मुकाबला में 20 अप्रैल को सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ खेलते हुए नजर आएंगे। वही पॉइंट सेल पे जो 5वें पोजीशन पर है वह केएल राहुल की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जाय। लखनऊ सुपर जाय ने आईपीएल 2024 के सीजन में टोटल 6 मुकाबले खेले गए, जिनमें से लखनऊ सुपर जाय को 3 मुकाबले में जीत मिली और 3 मुकाबले में लखनऊ सुपर जाय को हार का सामना करना पड़ा है।
पॉइंट है, उनके पास 6 पॉइंट है। उनका नेट आइटम है +0.038 का देखने को मिला है। वही लखनऊ सुपर जायंट को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए अपना बचा हुआ 8 मुकाबले में से सिर्फ 5 मुकाबला जीतना जरूरी। वही लखनऊ सुपर जायंट का अगला मुकाबला में 19 अप्रैल को चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ खेलते हुए नजर आएंगे। वही पॉइंट सेल पे जो चौथे पोजीशन पर है, वही पैड कमिंस की कप्तानी वाली सनराइजर हैदराबाद ने आईपीएल 2024 के सीजन में टोटल 6 मुकाबले खेले गए, जिनमें से हैदराबाद को 4 मुकाबले में जीत मिली और 2 मुकाबले में हैदराबाद को हार का सामना करना पड़ा है। पॉइंट टेबल उनके पास 8 पॉइंट है। उनका नेट एडम है +0.24 का देखने को मिल रहा है। वह सनराइजर हैदराबाद को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए अपना बचा हुआ 8 मुकाबले में से सिर्फ 4 मुकाबला जीतना जरूरी। वही हैदराबाद का अगला मुकाबला में 20 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल के खिलाफ खेलते हुए नजर आएंगे। वही पॉइंट सेल पे जो तीसरे पोजीशन पर है, वह ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग ने आईपीएल 2024 के सीजन में टोटल 6 मुकाबले खेले गए, जिनमें से चेन्नई सुपर किंग को 4 मुकाबले में जीत मिली और 2 मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग को हार का सामना करना पड़ा है। पॉइंट टेबल उनके पास 8 पॉइंट है। उनका नेट आइडम है +0.726 का देखने को मिल रहा है। चेन्नई सुपर किंग को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए अपना बचा हुआ 8 मुकाबले में से सिर्फ 4 मुकाबला जीतना जरूरी। वह चेन्नई सुपर किंग का अगला मुकाबला में 19 अप्रैल को लखनऊ सुपर जायंट के खिलाफ खेलते हुए नजर आएंगे। वही पॉइंट सेल पे जो दूसरे पोजीशन पर है, वही श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट ने आईपीएल 2024 के सीजन में टोटल 6 मुकाबले खेले गए, जिनमें से कोलकाता नाइट रॉयल को 4 मुकाबले में जीत मिली और 2 मुकाबले में कोलकाता नाइट रॉयल को हार का सामना करना पड़ा है। पॉइंट अब उनके पास 8 पॉइंट है। उनका नेट आइडम में +1.36 का देखने को मिल रहा है। वही कोलकाता नाइट रॉयल को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए अपना बचा हुआ 8 मुकाबले में से सिर्फ 4 मुकाबला जीतना जरूरी। वही कोलकाता नाइट रॉयल का अगला मुकाबला में 21 अप्रैल को रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के खिलाफ खेलते हुए नजर आएंगे। वही पॉइंट सेल पे जो पहले पोजीशन पर है, वही संजू सैमसन की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल ने आईपीएल 2024 के सीजन में टोटल 7 मुकाबले खेले गए, जिनमें से राजस्थान रॉयल को 6 मुकाबले में जीत मिली और 1 मुकाबले में राजस्थान रॉयल को हार का सामना करना पड़ा है। पॉइंट स्टेब उनके पास 12 पॉइंट है। उनका नेट आइडम है +0.677 का देखने को मिल रहा है। राजस्थान रॉयल को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए अपना बचा हुआ 7 मुकाबले में से सिर्फ 2 मुकाबला जीतना जरूरी। वे राजस्थान रॉयल का अगला मुकाबला में 22 अप्रैल को मुंबई इंडियन के खिलाफ खेलते हुए नजर आएंगे। ये थी आईपीएल 2024 का आज का नया पॉइंट टेबल। आपको क्या लगता है, आईपीएल 2024 में सबसे पहले कौन सी टीम बाहर होने वाली है? तो आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। या आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे आपको हमारा वीडियो सबसे पहले मिलती रहे।